हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिप टॉप न्यूज हिंदी में। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में फिर से भर्ती निकली है GDS पोस्ट के लिए, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल एरिया में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट का नाम है। 748 वैकेंसीज निकली है। UR के लिए 372 वैकेंसीज है और SC के लिए 43 है, ST के लिए 299 है और OBC के लिए 34 वैकेंसीज है। लास्ट डेट अप्लाई करने की इसकी 16/7/2018 है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आप देख सकते हैं न्यू वार्ड से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए और अप्लाई करने का लिंक चाहिए तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास यानी कि हाई स्कूल अनिवार्य है। एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स के बीच में है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। OBC या OC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और फीमेल और SC ST कैंडिडेट्स को फ़ीस जमा नहीं करनी है। आप हेड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फ़ीस जमा कर सकते हैं। सिलेक्शन इसका मेरिट के आधार पर होगा। इसमें एग्जाम और इंटरव्यू नहीं है, मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। अप्लाई इसमें आप कर सकते हैं apost.in/GDSonline। इस वेबसाइट को आप ओपन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर ये लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन लिंक। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही ये न्यू विंडो में एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन क्विक लिंक सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है। अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करके रजिस्टर करना होगा और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट सर्कल ओनली फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू न्यू बोर्ड, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस में दिखा रहा है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो पहले आपने रजिस्टर कर लिया है और सबमिट करने के बाद ऐसे ही आपको सारे स्टेप फिल करने हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रिंट बाद में प्रिंट एप्लीकेशन करना है भरने के बाद में। तो ऐसे आप इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, भविष्य में कोई भी सर्कल में अगर आपको वैकेंसी देखनी है GDS पोस्ट के लिए, इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर सर्कल स्टेट वैकेंसी रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।